हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सब मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन रोड टैक्स कैसे भर सकते हैं। उसके लिए आपको डीटी ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप ऑनलाइन रोड टैक्स कैसे भर सकते हैं। पहले ज़माने में आपको डीटी ऑफिस में जान के ही पे करना पड़ता था रोड टैक्स, आजकल आप ऑनलाइन घर बैठे ही पे कर सकते हैं। तो उसके लिए गूगल क्रोम में आप सर्च कीजिए parivahan.gov.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन सर्विसेज में आ जाइए और व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, मैं असम सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं असम से हूँ, ठीक है। ये लोड होगा, आ चुका है। अभी मुझे RTO सिलेक्ट करना होगा, मैं RTO सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है सोनितपुर। उसके बाद आई एक्सेप्ट में क्लिक टिक मार्क करके मैं प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आप सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक भी मतलब अगर एक भी स्टेप आप स्किप कर देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, फिर से आप प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो पहला वाला लिंक है पे योर टैक्स, इसमें आपको क्लिक करना होगा। पहले लोड होने के लिए देता हूँ, पूरा लोड होने के बाद ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार क्लिक करके देख ही लेता हूँ लोड होता है कि नहीं। हाँ, लोड हो चुका है। अभी आपको यहाँ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर आपको डालना पड़ेगा, मैं डाल लेता हूँ, आप भी डाल लीजिए अपना व्हीकल नंबर जिसका आपको रोड टैक्स देना है। उसके बाद 36 नंबर का लास्ट 5 डिजिट आपको डालना पड़ेगा, आप अच्छे से डाल लीजिए तभी ये काम करेगा। वेरीफाई डिटेल्स में एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैलिडेट हो चुका है। पहले आपको दिखाएगा टैक्स अप टू जुलाई 2020 तक मेरा दिया हुआ है, मेरा जो गाड़ी है वह 15 साल के ऊपर हो चुका है और रिसीप्ट डेट है 26 मई 2015, ठीक है। मैंने अमाउंट दे दिया था यहाँ में 7338 और टैक्स क्लियर अप टू 4 जुलाई 2020, उसके बाद टैक्स नहीं दिया। अभी देखिए MB टैक्स जो आएगा वो आएगा, टैक्स मोड आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ में आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे अभी देना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा जो गाड़ी है वो 15 साल के ऊपर हो चुका है और बहुत दिन हो चुका है, इसलिए मुझे अभी रोड टैक्स नहीं देना पड़ता है, मुझे ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। वो मैं बाद में बता दूंगा जब मैं दिखाऊंगा ग्रीन टैक्स के बारे में, ठीक है, जब मैं अपना RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करूंगा तब मैं आपको दिखा दूंगा स्टेप्स, ठीक है। तो वहाँ में ग्रीन टैक्स आ जाएगा। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली आ जाएगा, ठीक है। तो उसे आप सिलेक्ट करके आपको यहाँ में टैक्स अमाउंट दिखा देगा, टोटल टैक्स बैकअप भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ऐसे आप क्लिक करके, मेरा अभी नहीं आएगा तो आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे आगे बढ़ के आप इसे पे कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको पेमेंट में क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको पे, ये देखिए टोटल अमाउंट इन रुपी मेरा 0 है, आपका अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद आप पे कर दीजिए और उसके बाद आपका टैक्स रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा रोड टैक्स का, ठीक है। तो उसे आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको रोड टैक्स पे करना है, बिल्कुल एकदम ईजी प्रोसेस है, आप आराम से कर पाएंगे तो आप को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके वीडियो कैसा लगा और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।